फाइनली आखिरकार आ चुका है वो गाना जिसका हर किसी को इंतजार था, खासकर रूबी हॉलिक्स को, रुबीना दिलेक फैंस को। तो मरजानिया जो सॉन्ग है देसी म्यूजिक फैक्ट्री के लेबल में बना नेहा कक्कर की आवाज में फीचरिंग रुबिनव यानी रुबीना दिलेक और अभिनव शुक्ला आ चुका है। और देसी म्यूजिक फैक्ट्री के दूसरे सभी गानों की तरह इस गाने में भी आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे। बहुत ही कलरफुल गाना है ये। सेट जो है उसकी वाइब अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो बहुत हैप्पी वाइब है पूरे सेट की, बहुत ही कलरफुल लग रहा है। रुबीना दिलेक, अभिनव शुक्ला और नेहा कक्कर तीनों के ही जो कॉस्ट्यूम्स हैं इस गाने में वो बहुत चीयरफुल, बहुत यूथफुल हैं कॉस्ट्यूम्स। अब ये तो हम सब जानते हैं कि टोनी कक्कर और देसी म्यूजिक फैक्ट्री के जितने भी गाने होते हैं वो बहुत यूथ सेंट्रिक होते हैं, यंगस्टर्स को, कॉलेज गोइंग पब्लिक जो होती हैं उन्हें केटर करते हैं, यू नो उनके क्या बोलते हैं म्यूजिक इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो देसी म्यूजिक फैक्ट्री के यूजुअली गाने बनाए जाते हैं। और ये भी जो गाना है मरजानिया वो बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही पेपी, एक क्यूट सा रोमांटिक नंबर है मैं कहूँगी यहाँ पर। और एक और खास बात इस गाने की ये है कि हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का जो गाना था जो पिछले साल आया था कल्ला सोना नहीं, आपको इस गाने के जो लिरिक्स हैं, इस गाने के जो बोल हैं मरजानिया के, वो आपको आसिम हिमांशी के उस गाने की याद दिलाएंगे, कल्ला सोना नहीं की याद दिलाएंगे। क्योंकि उस गाने में भी जो है वो जो मेन लीड होती हैं, जो गर्लफ्रेंड होती है वो अपने बॉयफ्रेंड से नाराज़ होती है कि वो उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे और उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो उसके जो बोल थे वो ये डिपिक्ट करते थे। और अगर आप मरजानिया सुनेंगे तो मरजानिया का भी जो थीम है, जो पूरी वाइब है उस गाने की वो यही है कि जो गर्लफ्रेंड है वो चाहती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसके साथ रहे हर समय, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, उसकी तारीफ करे, बस उसी पर ध्यान दे, लेकिन बॉयफ्रेंड के पास टाइम नहीं है, वो कभी काम में बिजी है तो कभी किसी और लड़की के साथ बात करने में बिजी है। तो ये है पूरी वाइब मरजानिया के गाने की। और यहाँ पर अगर मैं नेहा कक्कर की बात करूँ तो नेहा कक्कर की आवाज़ कितनी यूथफुल और कितनी यूनिक है ये तो सभी जानते भी हैं। और इस बार भी नेहा ने अपनी आवाज़ से, जो उनकी आवाज़ में जो एक्सप्रेशंस हैं उससे मुझे लगता है कि उनके सारे फैंस का दिल जीत ही लिया होगा। और एक आपको ये बात बता दूँ मैं कि सिर्फ 17 मिनट हुए हैं इस गाने को रिलीज़ हुए देसी म्यूज़िक फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर, ओनली 17 मिनट्स। और अगर यहाँ पर मैं व्यूज़ की बात करूँ तो सिर्फ 17 मिनट में 147K व्यूज जो हैं वो ऑलरेडी इनके नाम हो चुके हैं, रुबीना, अभिनव और नेहा कक्कर के नाम 1 लाख से ऊपर व्यूज़, यानी 1,47,000 व्यूज़ ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं नीचे 13 सूट देख रही हूँ, आज 13 सूट को एक हफ्ता हो गया है और अब जाके 32 मिलियन व्यूज़ 13 सूट के हुए हैं। और लेकिन जिस तरह से मरजानिया के लिए लोग दीवाने हुए हैं, 1,47,000 व्यूज अभी हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना डेफिनेटली 7 दिन के अंदर अंदर यानी 1 वीक के अंदर अंदर हो सकता है कि 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस कर जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं नीचे कमेंट्स की बात करूँ तो कमेंट्स भी 10,000 कमेंट्स, सिर्फ 17 मिनट में 10,000 से ज़्यादा कमेंट्स यहाँ पर मिल चुके हैं। फैंस यही कह रहे हैं सुपरहिट सॉन्ग, रुबीनाज एक्टिंग एक्सप्रेशन, नेहाज वॉइस, अभिनव लुक्स, इट्स अ ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट, कीप लिसनिंग गाइस, रुबीनाज एक्टिंग एंड नेहाज वॉइस मेक्स दिस सॉन्ग ब्लॉक बस्टर, रुबीना प्लस नेहा इज इक्वल टू 100% लव, ऑल रूबी हॉलिक्स मेक दिस सॉन्ग ब्लॉक बस्टर, वी लव रुबीनव, रुबीनव केमिस्ट्री माइंड ब्लोइंग। तो यहाँ पर फैंस जो हैं वो इस गाने की, रुबीना, अभिनव और नेहा की तारीफ करते नहीं थक रहे। सभी को मरजानिया जो है जिन जिन ने भी देख लिया है बहुत पसंद आ रहा है। और अगर आपने अब तक नहीं देखा है और अगर आप भी रुबीना अभिनव के एक कहते हैं कि बहुत बड़े फ़ैन हैं तो जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, देख लीजिए मरजानिया। और हमें कॉमेंट्स में लिखकर बताना ना भूलें कि आपको ये गाना कैसा लगा। बने रहिए फिल्म विंडो के साथ, मैं हूँ नित्यांशी।